हर हर महादेव दर्शकों, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप क्या क्या इस तरीके से उपाय करें जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे, आपके कारोबार में वृद्धि हो, आपके संतान सुख में वृद्धि हो, आपकी जो भी समस्या हो सभी समाप्त हो जाएँ और आपके घर में खुशहाली ही खुशहाली हो। तो आपको बताने जा रहे हैं हम आपको इस वीडियो में कि आप किस तरीके से आप क्या क्या उपाय आप करें नवरात्रि में। तो आप क्या करें कि नवरात्रि का जो पहला दिन होता है, अब पहले दिन आप क्या कीजिए कि आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उस पर हल्दी और चूने से आप स्वास्तिक का निशान बनाइए। जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है वो दोनों तरफ दाईं और बाईं ओर, मुख्य दरवाजे पर दाईं और बाईं ओर आप स्वास्तिक का चूने से आपको चिन्ह बनाइए। ऐसा करने से आप मंगल को अपने घर की ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है हम लोगों में, हिंदुओं में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके घर में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। और आपको एक उपाय और करना है नवरात्रि के, आपको क्या करना है नवरात्रि में प्रत्येक दिन यानी 9 दिन आपको डेली आपको तुलसी में जल अर्पित करना है और जल अर्पित करते हुए आपको घी का दीपक डेली सुबह शाम आपको जलाना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इससे आप जो आप दीपक जलाएंगे नवरात्रों में इससे आपके घर का जो भी कलेश होगा, जो भी लड़ाई झगड़ा होगा सब शांत हो जाएगा, आपके घर में खुशहाली का वातावरण रहेगा, आपके घर में चारों तरफ सब लोग खुश ही खुश रहेंगे। और आप नवरात्रि में क्या कीजिए, जो माँ दुर्गा को गुलाल और जो गुलाब होता है गुड़हल और कमल का फूल आपको चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभ और मंगलकारी होता है। माना जाता है कि इससे माँ दुर्गा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और जो आपकी जो भी जो विपत्तियाँ हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं ज़िंदगी में चल रही हैं, आप इन फूलों को चढ़ाकर उन सबसे दूर हो सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि आप नवरात्रि के जो दौरान जो 9 दिन होते हैं इनमें आप अपने घर की झाड़ू ना बदलें, आप नई झाड़ू ना यूज करें, आप जो पुरानी झाड़ू आप चला रहे हैं उसी को यूज करें, क्योंकि नवरात्रि के बाद जो पुरानी झाड़ू है उसे आप फिर बदल लीजिए, क्योंकि हिंदुओं में माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है झाड़ू को, तो इसलिए आप नवरात्रों के दौरान आप झाड़ू को ना बदलिए। इस तरह आप छोटे छोटे आप उपाय कीजिए और देखिए आपके घर की जो भी समस्या होंगी, जो भी मुसीबतें होंगी वो सारी समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में खुशहाली का वातावरण होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय महाकाल।